पहले कटोरी में मूंगफली लें। मूंगफली कढ़ाई गैस पे रख के मूंगफली को रोस्ट करें। मूंगफली को देखें, मूंगफली चटकने लगे तब तक मूंगफली को रोस्ट करते रहें। जब मूंगफली छिलका छोड़ दे तब किसी प्लेट में निकाल कर उसको हाथों की सहायता से उसका छिलका मलकर निकाल दें। छिलका निकलने के बाद उसको किसी मिक्सी के जार में डालकर सारे को पेस्ट बना लें। थोड़ा सा पानी भी डालें। पेस्ट की कंटेंट पेस्ट कर गैस पे कढ़ाई चढ़ाकर कढ़ाई में देसी घी डालकर उसमें पेस्ट डाल दें। पेस्ट को डालते समय उसको धीरे धीरे चलाते हुए गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखें और थोड़ा दूध भी डाल दें और कढ़ाई को बराबर मात्रा में चलाते हुए उबाल लाएं। कढ़ाई को चलाते चलाते रहिए। इसको चलाते हुए सूखा होने तक भूनिए और फिर आधी कटोरी चीनी डाल दीजिए। इस हलवे को सूखा होने तक भूनते रहिए जब तक ये सूखा होकर घी न छोड़ दे, तब तक आप इसे भूनते रहिए। आप देख सकते हैं सूखा होते होते चारों तरफ से घी छोड़ने लगा ये हलवा। ऐसे ही चलाते रहिए और भूनते रहिए। देखिए हलवा पूरी तरह से अब तैयार है और तैयार होने पे उसमें एक चम्मच देसी घी डालकर फिर से चलाइए। गैस ऑफ करके इसको किसी प्लेट में निकाल के थोड़ा डेकोरेट कर दीजिए। आपका हलवा बादाम का पौष्टिक।